मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता द्वारा गांधी जयंती के मौके पर सीहोर में गांधी जी की प्रतिमा पर सीहोर वृत्त के महाप्रबंधक राकेश नायक एवं शरद महोबिया द्वारा माल्यार्पण करते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर को संबोधित किया गया। विद्युत मंडल के सभी अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनर सदस्यों द्वारा मौन व्रत रखकर अपनी मांगों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड फोरम के बैनर तले अपनी मांगों यथा पेंशन को शासकीय ट्रेजी से जोड़ते हुए पेंशन भुगतान सुनिश्चित किए जाने, पेंशनरों के DRA के आदेश शीघ्र प्रसारित किए जाने और चतुर्थ वेतनमान शीघ्र लागू करने की मांग की गई। मेरा नाम शिवराम पाली है। किस उद्देश्य से आज आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे मौन धरना प्रदर्शन किया गया है? हमारे यूनाइटेड फोरम के बैनर तले आज हम लोग गांधी प्रांगण में मौन व्रत रख के सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांगों में जो हमारे पेंशन है उसको ट्रेजरी से जोड़ने का है और चतुर्थ वेतनमान की जो घोषणा सरकार ने की है वो शीघ्र लागू की जाए और जो DRA है जो पेंशनरों का DA 4% है वो अभी नहीं मिला वो उसके आदेश प्रसारित किए जाएं और हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त जो तकनीकी लोग हैं उनका भी वर्गीकरण करते हुए कनिष्ठ यंत्री या जो पद के लायक हैं उनमें उनको प्रमोशन किया जाए और कुछ वेतन विसंगतियां हैं जो सातवें वेतनमान में वेतन विसंगति रह गई है वो दूर किया जाए। इस तरह की 8 मांगे हैं जिनकी तरफ आज हमारा मौन व्रत रख के कार्यक्रम है। इसके बाद अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो 6 अक्टूबर से हमारा पूरा प्रदेश में कार बंद आंदोलन चालू किया जाए। कार का पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। उसमें अगर प्रदेश में अंधेरा छाता है या कुछ और अव्यवस्था फैलती है कानून व्यवस्था की स्थिति आती है उसके लिए संपूर्ण रूप से सरकार दोषी है। बिजली पानी ऐसा कि मूलभूत चीज़ें जीवन की आदमी की। जी जी, आप लोग जैसे धरने पे जाते हैं तो इससे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है आगे जाके। जी जी जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके लिए आवश्यक सेवाओं को तो छोड़ा जाएगा लेकिन उसके अलावा जो और दिक्कतें आती हैं वो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।